हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आप सब बस हैं? आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे ईएमसी की वर्कशीट 23, और ये वर्कशीट आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको अपने जीवन में इसे फॉलो करना है। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है योजना बनाकर कार्य करना, प्लान एंड एग्जीक्यूट पार्ट 1। स्टूडेंट, योजना बनाना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी काम को जल्दी करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो हमें योजना बनाकर ही कार्य करना चाहिए। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो आपके पास टाइम टेबल होता है, टीचर्स उस टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ाते हैं, तो आपको ज़्यादा ज्ञान मिलता है और आप कंफर्टेबल वे से स्कूल में पढ़ पाते हो। ऐसे ही आप अपने घर में भी प्लानिंग करते हो पढ़ने की। अब आपको पता है कि जनवरी का महीना आ गया है, आपके एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आने वाले हैं, तो आपको भी प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं एग्ज़ाम में कैसे अच्छा जो है परफॉर्म करूं, कि मुझे टाइम टेबल कैसे बनाऊं, किस सब्जेक्ट को मैं कितना समय दूं। तो ये कैसे संभव होगा? ये प्लानिंग से ही संबंध होगा, जो कि आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है। ओके, तो अब हम करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे विद्यार्थियों, अपने दैनिक जीवन में हम बहुत से काम करते हैं। क्या काम करते समय योजना बनाना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल है। आइए जानते हैं इस वर्कशीट में। यह गतिविधि अपने परिवार वालों के साथ करें। तो इस ये एक्टिविटी से शुरू हो रही है वर्कशीट। स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी करना तो वैसे ही पसंद है, तो देखो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है। सभी सदस्य एक बड़े घेरे में खड़े हो जाएं, जैसे ये बना रखा है ऐसा घेरा बनाएं अपने परिवार के सदस्य, भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा बुआ, सबको खड़ा कर लें। सभी सदस्य एक बड़े घेरे में खड़े हों। एक बड़े घेरे में आने के बाद निम्न गतिविधि करें। घेरे में खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? सभी सदस्य अपनी आंखें बंद कर लें। सभी सदस्य एक एक करके गिनती बोलें। यह गिनती 1 से 30 तक ही जारी रखनी है। गिनती बोलने का कोई क्रम नहीं है। कोई भी सदस्य गिनती शुरू कर सकता है और कोई भी कहीं से भी गिनती को जारी रख सकता है। यदि एक से अधिक सदस्य एक ही अंक को एक साथ बोल देते हैं, तो गिनती फिर से शुरू करो। मान लो आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, मम्मी पापा, भाई बहन और आपकी बुआ है, तो आप 5 होंगे, तो हर सदस्य एक एक अंक बोले। जैसे एक ने बोला 1, दूसरा बोलेगा 2, तीसरा 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे कोई भी बोल सकता है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? यस, 5 मिनट तक यह गतिविधि करने के बाद अपने परिवार वालों के साथ चर्चा करें कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आप सब मिलकर 1 से 30 तक की गिनती पूरी बोल सकें। अब आपने देखा कि 1 से 5 बोलने के बाद छठे नंबर पर आपके भाई ने बोला, 7वें नंबर पर आप भाई ने मम्मी ने बोला, 8 नंबर फिर पापा ने बोला, 9 नंबर फिर भाई ने बोल दिया। तो ऐसे 30 तक गिनती आप नहीं कर पाए। बार बार आपने 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रयास किया, नहीं कर पाए। फिर आपने क्या किया कि चर्चा की कैसे हम 1 से 30 तक गिनती पूरी बोलेंगे। तो उसके लिए आपने क्या की? प्लानिंग की ना, कि एक कौन बोलेगा? एक आपकी बहन बोलेगी। सबसे पहला नंबर बहन का है, फिर भाई का है, फिर मम्मी बोलेगी, मम्मी के बाद पापा, पापा के बाद बुआ। तो ये आपने योजना बनाई, ये आपने क्रम बनाया, फिर आपने देखा, फिर आप दोबारा ये एक्टिविटी करेंगे और आप देखेंगे कि सेकंड टाइम में आप 30 तक काउंटिंग कर पाए। ओके, तो आप सब मिलकर बिना गलती की गतिविधि करने के लिए योजना बनाए। आपने योजना बनाई ना कि पहले कौन बोलेगा, पहले बहन बोलेगी, फिर भाई बोलेगा, फिर मम्मी, फिर पापा, फिर बुआ। तो यही होता है, हमारी प्लानिंग करने से हम काम को कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और आपने क्या रिजल्ट देखा कि हमने 1 से 30 तक गिनती बड़ी आसानी से कर ली। इसके लिए 5 मिनट का समय है। परिवार के सदस्य फिर से आंखें बंद करें और गिनती बोलना शुरू करें। 5 मिनट के बाद सभी सदस्य आंखें खोल लें। फिर आपने देखा, आंखें बंद करने के बावजूद भी जब सब सदस्यों ने अपनी योजना बना ली कि पहले नंबर पर कौन बोलेगा, दूसरे पर कौन, तीसरे पर कौन, चौथे पर कौन, 5वें पर कौन, तो आपने देखा कि आपने तुरंत 1 से 30 तक गिनती कर ली। ओके, गतिविधि के बाद परिवार वालों के साथ निम्न प्रश्नों पर चर्चा करें। उसके बाद आपको क्या चर्चा करनी है? आपको करनी है, पहली बार गिनती करते हुए क्या हुआ? तो पहली बार गिनती करते हुए क्या हुआ? आपने देखा 1 से 30 तक गिनती आप नहीं कर पाए। कभी 10 पर, कभी 15 पर, कभी 20 पर आप लोग कोई दोबारा गिनती बोल देता था, सेम मम्मी ने भी बोल दिया, भैया ने भी बोल दिया,
दूसरी बार गिनती करना पहली बार की गिनती से किस तरह अलग था? और जब आपने योजना बना ली कि पहले नंबर पर कौन बोलेगा, बहन, फिर भाई, फिर मम्मी, फिर पापा, फिर बुआ, तो फिर क्या हुआ, आपने आसानी से कम समय में ही 1 से 30 तक की गिनती गिन ली। आपने दूसरी बार गिनती करने से पहले क्या सोचा और क्या फैसला लिया? क्या क्या सोचा था आपने कि आपने सबका नंबर बता दिया कि पहले नंबर पर कौन बोलेगी, बहन, फिर भाई, फिर मम्मी, फिर पापा, फिर बुआ, तो और यही फैसला लिया कि आंखें बंद होने के बावजूद भी अपनी टर्न याद रखनी है कि बहन के बाद भाई की टर्न आएगी, भाई के बाद मम्मी की, मम्मी के बाद पापा की, और आपका वो काम जो है हो गया, 1 से 30 तक गिनती आपने कर ली। क्या हर काम करते हुए योजना बनानी चाहिए? योजना बनाने में क्या होता है, आइए जानते हैं अगली गतिविधि में, फिर हम सेकंड एक्टिविटी करते हैं। मान लीजिए आपके घर के सदस्यों जैसे माँ और पिताजी को 2 दिनों के लिए घर से बाहर जाना है, जाते हैं आपके मम्मी पापा की शादी अटेंड करने के लिए या कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो आपके मम्मी पापा गाँव जाते हैं। अगर आप के भाई बहन बुजुर्ग सदस्य घर में ही होंगे, ऐसे में घर के सारे काम करने को लेकर क्या स्थिति हो सकती है, निम्नलिखित विकल्पों में से सोच कर लिखें। तो उनके जाने के बाद मम्मी खाना बनाती है, पापा जो है बाहर से सब्जी लाते हैं, तो उनके कामों को कैसे आप उनकी अब्सेंस में करेंगे? पहली स्थिति, जिसको जो मन हो वह काम करे। अगर आप ऐसा करोगे कि जो जिसका मन करेगा मम्मी पापा के जाने के बाद वो वही काम करेगा, तो कोई भी काम नहीं करेगा, कहेगा ये काम मेरा नहीं है, ये बहन कर लेगी, ये भाई कर लेगा, तो ऐसे में तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। जिसे जो काम आता वही काम करे। अगर ऐसा कर दिया तो किसी को कुछ भी काम नहीं आता होगा और एक को सारे काम आते होंगे तो उसका ज़्यादा काम हो जाएगा। सब आसान काम करने की सोचे, मुश्किल काम करने के लिए पर्ची डाले, आसान तो सब करेंगे फिर और मुश्किल काम कोई भी हाँ नहीं भरेगा। कोई और विकल्प, या फिर आप क्या विकल्प निकालेंगे, आप इसके लिए भी योजना बना सकते हो, जिसको जो काम आता है उसको वो काम दें। और फिर आप क्या कर सकते हैं कि कठिन काम जिसको आता है उसको कठिन काम दें, जिनको आसान आता है उसको ज़्यादा काम दे दो, अगर आसान काम करना है तो 2 या 3 काम दे दो। दूसरी स्थिति, क्या ऐसा भी हो सकता है कि माँ और पिताजी के जाने से पहले ही उनके साथ मिलकर घर के सभी सदस्य योजना बना लें कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान सारे काम कैसे किए जाएंगे? ये सबसे अच्छा तरीका होगा, इसको कहते हैं हम योजना बनाना, प्लानिंग, कि मम्मी पापा ही डिसाइड कर दें कि उनकी अब्सेंस में किसको क्या काम करना है। यह योजना बनाते हुए जिन बातों के बारे में ध्यान रखा जाएगा उन्हें नीचे लिखें। तो क्या क्या, जब आप योजना बनाएंगे तो क्या क्या ध्यान रखेंगे? एक तो क्या क्या काम करने होंगे, उन काम की लिस्ट बनानी है कि सुबह खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है, बाहर से सब्जी लानी है, रात का खाना बनाना है, तो आपको काम की लिस्ट बनानी पड़ेगी। और किस काम को कौन करेगा उसको काम असाइंड करना पड़ेगा, तभी तो घर का मैनेजमेंट हो पाएगा, घर अच्छी तरह से चलेगा। तो ये सब क्या है, ये योजना बनाना ही है। किस समय कौन व्यक्ति उपलब्ध है, मान लो आपकी बहन की ऑनलाइन क्लास है और आप उसे कहें कि वो खाना बनाए, तो ये नहीं, समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको क्या काम हमें देना है। क्या पहली और दूसरी स्थिति में कुछ अंतर होगा? सोचिए और अपने कक्षा के साथियों के साथ चर्चा भी कीजिए, अपनी उम्र की तालिका में लिख दीजिए। देखो, पहली स्थिति में तो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कोई काम नहीं करेगा, कि कठिन काम के लिए कोई हाँ नहीं भरेगा और किसी का मन नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, घर में कंफ्यूजन हो जाएगा और कोई भी काम तरकीब से नहीं हो पाएगा। और दूसरी स्थिति में योजना बना ली मम्मी पापा के सामने ही, सबके काम डिसाइड कर दिए और सब अपने काम समय पर करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका मम्मी पापा की अनुपस्थिति में भी आप सबको बड़ा अच्छा लगेगा, आप सब इंजॉय करेंगे। अब निम्नलिखित तालिका में लिख दीजिए। अब देखिए, पहले वाले सिचुएशन में तनाव टेंशन होना, योजना बनाकर काम करने में तनाव और टेंशन नहीं होता है, तो ये है नहीं। बिना योजना बनाए काम करोगे तो क्या होगा, हाँ टेंशन होगी, तनाव होगा, क्यों, क्योंकि काम नहीं हो पाएगा समय पर, काम समय पर पूरा हो जाना, योजना बनाएंगे तो हो जाएगा, हाँ समय पर पूरा होगा, वो योजना नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा। काम अपेक्षा के अनुरूप होना, हाँ जब योजना बनाएंगे तो काम एक्सपेक्टेशन के अनुसार होगा, बिना योजना बनाए काम
नहीं होगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ओके, जो भी आपने तालिका में लिखा उसे वीडियो ऑडियो मैसेज के रूप में, कार्टून बनाकर, गीत के रूप में और किसी मज़ेदार रूप में अपने साथियों, परिवार के सदस्यों तथा टीचर के साथ साझा कीजिए। क्या इस काम को करने के लिए योजना बनानी होगी? योजना कैसी होगी? अब जो आपने तालिका भरी है उस पर कोई भी आप गीत बना सकते हो, कोई कार्टून, कोई भी मैसेज आप देना चाहते हो वो आपको करना है। और उसको बनाने के लिए भी आपको क्या योजना बनानी पड़ेगी, क्या क्या बनानी पड़ेगी, ये देखिए आप। यस, हाँ, हमें इस कार्य को करने के लिए योजना बनानी होगी। जब भी हम कोई कार्य अच्छे से और बेहतर करना चाहते हैं तो हमें योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें निम्न योजना बनाएंगे। सबसे पहले तो आप विषय निर्धारित करेंगे कि आप गाना गाएंगे या कुछ लाइनें लिखेंगे या कुछ गीत लिखेंगे। फिर आप विषय वस्तु की शब्द संख्या कि आप 100 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स का गाना कितना बनाएंगे। फिर आप समय निर्धारित करेंगे कि 5 मिनट आपको गाना गाना है, 10 मिनट गाना है। विषय वस्तु तैयार करेंगे, उसके स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, फिर आप प्रेजेंटेशन देंगे, प्रस्तुतिकरण, और फिर आप भेजेंगे अपने टीचर के पास। तो देखो, छोटा सा काम था, उसमें भी अगर हम योजना बनाएंगे तो हमारा काम जो है समय पर हो जाएगा। ओके, इस वर्कशीट में आपने क्या सीखा? लेके स्टूडेंट, इस वर्कशीट से आपने क्या सीखा कि हमें योजना बनानी चाहिए ना। योजना बनाने से हमारा काम शीघ्र हो जाता है और बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। ओके, हमने इस वर्कशीट से सीखा कि किसी भी कार्य को शीघ्र एवं बेहतर तरीके से करने के लिए योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। अगले सप्ताह हम योजना बनाने की प्रक्रिया को और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो अगली वर्कशीट आएगी 24, उसमें भी हम योजना बनाने के बारे में और सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट आपकी लाइफ के लिए बड़ी ज़रूरी है। हम सबको कोई भी कार्य करने से पहले योजना बनानी चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।